क्या आर्ट किसी की मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? क्या आर्ट किसी को उसके मेंटल इश्यूज से डील करने में, उसको इम्प्रूव करने में मेजर रोल प्ले कर सकती है? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज दीपाक्षी एंड आई क्रिएट DIY वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, ज्वेलरी, एक्सेसरीज एंड समटाइम्स कार्टून। एंड इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आर्ट नॉलेज आई वांट टू टॉक अबाउट आर्ट थेरेपी, बिकॉज ड्यू टू करंट सिचुएशन people are losing their job and facing so many issues in their personal and professional lives, which is leading to the mental health issue. So I thought I should share some valuable, helpful tips about art therapy, which might help you in improving your mental health. So let's just get started and tell you how art therapy can help you to improve your mental health. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आर्ट थेरेपी है क्या, एंड आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। सो आर्ट थेरेपी इज अ थिंग जहां पे हम विजुअल आर्ट्स को थेरेपेटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं टू रिफ्रेश आवर माइंड, टू फील काम, एंड इट कुड बी एनीथिंग लाइक स्केचिंग, पेंटिंग, मेकिंग स्कल्पचर्स, डूइंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और एनीथिंग व्हिच फील्स यू मेक्स यू फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। जब आप मतलब उसको करते हुए आप अपने दिमाग के जितने भी स्ट्रेस हैं, इश्यूज हैं, उन सबको भूल जाए दिमाग में कि हाँ ये था, यू फील वेरी काम व्हाइल डूइंग दैट, इज कॉल्ड आर्ट थेरेपी। एंड द अदर थिंग इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड डू वेरी बिग पेंटिंग्स और कैनवास पेंटिंग्स या कुछ भी। बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ योर इमेजिनेशन ऑन पेपर एंड पेपर और एनी ऑन योर कैनवास पेज। So that is the art therapy. So now you must be thinking, who can take this art therapy? See, basically anyone who is facing anxiety issues, depression, stress or due to a hectic lifestyle can take this art therapy. And the best thing about this therapy is that you can have it from the comfort of your home or your office. Like, for example, you are in your office and feeling stressed, and you just need to take out your pen and paper, draw anything, and you're good to go. You'll feel refreshed and calm, and you will feel better about yourself. Let's talk about benefits of art therapy. First of all, the main benefit is it relieves stress, which I've told you earlier as well. See, when you draw something or create something with the therapy, it distracts you from the main issue. और जब आप distract होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप stress किस चीज के ऊपर थे, किस चीज क्या problem थी, भले थोड़ी देर के लिए लेकिन आप भूल जाते हैं कि क्या problem थी। और फिर जब आपका दिमाग ठंडा होता है, काम stage में पहुंचता है, आपको लगता है हाँ उस problem को ऐसे नहीं ऐसे solve किया जा सकता है। Let's talk about another benefit, which is it encourages your creative thinking. See, when you will start in the initial stage, आप एक चीज बनाएंगे, दो चीज बनाएंगे, then you'll be like, अच्छा मैं इसको ऐसे और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ, जो चीज आपको और बेटर फील कराएगी आपके बारे में, आपके माइंड को रिफ्रेश फील कराएगी और आपके दिमाग में क्रिएटिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी आर्ट के थ्रू। और जब आप अच्छा कुछ बनाने लगेंगे तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं कुछ अच्छी चीज बना सकता हूँ। साथ ही आपके अंदर सेल्फ अकम्प्लिशमेंट आएगी कि हाँ मैंने ये बनाया है चीज और मैं भी कुछ अच्छा बना सकता हूँ। और जब आप कुछ अच्छा फील करेंगे तो आपका माइंड भी रिफ्रेश फील करेगा और आपका ब्रेन ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएगा। जब आपका ब्रेन बेटर तरीके से काम कर पाएगा तो ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव होगी, ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो आप और बेटर तरीके से अपने लाइफ के और क्या कहते हैं फील्ड्स में बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और जब परफॉर्म कर पाएंगे तो आपको जो स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन है, जिस भी मेंटल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उससे आप बेटर तरीके से डील कर पाएंगे, रिलीफ मिलेगी आपको। एंड ऑब्वियसली जब आपका ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव होगी और जब आप अपने लाइफ के और पार्ट्स में बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज हाउ द आर्ट थेरेपी विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। बट वेट, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू नाउ। आई वांट टू टॉक अबाउट मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आर्ट थेरेपीज यू कैन यूज टू फुलफिल ऑल योर मेंटल प्रॉब्लम्स इश्यूज। So
take at your home are painting, photography, sketching, any kind of coloring, or creating a digital art if you know how to do it. So these are some basic art therapies you can do from comfort of your home. And the best thing about art therapy is that you don't need any teacher. You just need to tell yourself that I need to deal with these issues, and this is the step I'm going to take it for myself, and that's how I'm going to improve my mental health. That's it. So that's it in my new episode of Art Knowledge, where I talked about art therapy, and I hope it will help you and make you crave to do something creative today. And don't forget to subscribe to my channel. Tell us about it in the comment section below. Apart from that, if you want to tell me something about what you want to talk about, like art or any kind of specific art form, how to do it, how to do a sketching, please let me know in the comment section below with the views about this episode. Thank you. See you until next time. Bye bye.